चलो देखो। 12 अगस्त 2024 को रात्रि लगभग 1:30 बजे यूपी 112 पे कॉल आई थी, जिसमें लड़की ने बताया था कि उसका टॉप उतार दिया गया और गलत काम करने का प्रयास किया गया है। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए मौके पे यूपी 112 और थाना कन्नौज की पुलिस पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया। उसने टॉप नहीं पहना हुआ था। अभियुक्त नवाब सिंह यादव को आपत्तिजनक अवस्था में पाया गया, जहां उसे पकड़ा गया। थाना कन्नौज पुलिस पे तत्काल तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर 12 अगस्त 2024 को जेल भेजा गया। तत्समय मौके पे लड़की की बुआ भी मिली थी। शुरुआत में वो विवेचना में सहयोग करी थी, मुकदमा भी लिखाने आए थे। जब लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया था, तो वहाँ पे ये विघ्न डालने लगे और सहयोग करने लगे। अगले दिन जब लड़की के माता पिता आए, तो उन्होंने ये भी बताया कि इतनी बड़ी घटना हो गई थी, इन लड़की की बुआ ने इनको कोई सूचना नहीं दी। उन्होंने भी इन पर आरोप लगाए। जब इनको पूछताछ के लिए थाने पे बुलाया गया, तो ये फरार हो गई। तब से ये लगातार वांछित चल रही थी। इनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी विभिन्न टीमें लगी हुई थी। दिल्ली NCR एरिया में इनकी सर्च की जा रही थी। सूचना प्राप्त हुई कि ये वापस से कन्नौज के लिए आई है। सूचना पे आज थाना कन्नौज पुलिस द्वारा तिरुवा क्षेत्र अंतर्गत इसकी गिरफ्तारी की गई है। ये अभियुक्ता ने पूछताछ में बताया है कि ये नवाब सिंह यादव को पिछले 5-6 सालों से जानती थी। इनके फिजिकल रिलेशंस भी रहे। 11 अगस्त को नवाब सिंह यादव ने इनको फ़ोन करके बुलाया था। तब इसने बताया था कि ये लखनऊ में है और इनके साथ इनके भतीजी। तब भी इनको बुलाया गया। ये रात्रि में नवाब सिंह यादव के कॉलेज पहुंचे थे, जहां पे ये दुष्कर्म की घटना हुई। घटना के बाद लड़की ने पीछे से पुलिस को फ़ोन कर दिया था, और यूपी 112 पे, जिसमें यूपी 112 और थाना कन्नौज की पुलिस पहुंची थी, जिसकी में फिर मुकदमा लिखा गया और अभियुक्त नवाब सिंह यादव को जेल भेजा गया। अभियुक्ता ने ये भी बताया कि जब ये मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए गए थे, तो वहाँ पे जो अभियुक्त का भाई है, इनको प्रलोभन दिया था कि अगर ये बयानों से पलट जाए, मेडिकल एग्जामिनेशन ना हो, तो इनको पैसे दिए जाएंगे। और साथ ही कुछ लोगों के नाम लेने के लिए बताया था, ताकि विवेचना को डाइवर्ट किया जा सके। इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है, और इसमें साक्ष्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। और आज अभियुक्ता, जो लड़की की बुआ है, उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।